First of all, good morning to all of you. Let us start the today's session by the grace of great Vaheguru and great Tanshikunanda Ji. Welcome to our YouTube channel, whose name is DGNDJ Physics. Dhan Guru, Nanak Dev Ji Physics. So, आज का जो topic है वो है capacitance voltage measurement. ठीक है? Which is also called a CV technique. It's a quite easy method. It's a quite easy measurement. So, let us start the session. Three. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो फायदे हैं, ठीक है, इसे हम कर क्या सकते हैं कैपेसिटेंस वोल्टेज मेजरमेंट से, तो ये हमें क्या बताता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर लाइक डोपिंग डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एन एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स म्यू, ठीक है, जो कि हमने हॉल इफेक्ट से भी निकाले थे. तो ये प्रॉपर्टी से इस मेथड से हम ये डोपिंग, ठीक है, हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर कैसा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर से पता लगता है और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर समय यू की वैल्यू में पता लग सकती है. सेकंड जो है, इस टेक्निक से हमें क्या पता चलता है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सकते हैं. सेकंड, वी कैन नो दी मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ स्कॉटकी डायोड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ स्कॉटकी डायोड, जो कि हमने क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से किए थे, जिससे उसका पता लग सकता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. थर्ड है मॉस्फेट के बारे में. मॉस्फेट मींस मेटल, एम स्टैंड फॉर मेटल, ओ स्टैंड फॉर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एफईटी मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट यू हैव स्टडीड इन 10+2 क्लास आल्सो, ठीक है. जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, कॉन्फिगरेशन को, कॉमन मीटर, कॉमन बेस और कॉमन एम्पलीफायर को पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमारी जो कैटेगरी है वो किसकी होती है, मॉस्फेट की होती है, ठीक हो, इसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट. मॉस्फेट इज आल्सो कॉल्ड अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और फोटोडायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता चल सकती है. तो लेट अस कम टू द सर्किट. सबसे पहले इस डायग्राम पे आते हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, जब भी पी टाइप मटेरियल को एन टाइप के साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन दैट इज ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन होती है. क्या होती है हमारे पास बेटा, डिफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू दी पी टाइप हो जाता है, जिससे कि वो से रिकम्बाइन करते हैं और हमें क्या मिलती है बेटा, एक डिप्लीशन लेयर मिलती है. क्या बेटा हमें मिलती है, हमें एक डिप्लीशन लेयर मिलती है. और इस डिप्लीशन लेयर में चार्ज की होता क्या, बेसिकली न्यूट्रल चार्ज. क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल चार्ज होता है और इसमें हमारे पास इमोबाइल चार्ज करने सकते हैं. क्या होता है, इसमें इमोबाइल चार्ज करने सकते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से चल के पी साइड में चल के डिप्लीशन लेयर के अंदर एक इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो सी दिस साइड गेट अ पॉजिटिव एंड दिस साइड गेट अ नेगेटिव, दिस साइड गेट अ पॉजिटिव एंड दिस साइड गेट अ नेगेटिव. सो इट मींस एक डिप्लीशन लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है, डिप्लीशन लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है, ठीक है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दी दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दी दिस डायरेक्शन, ठीक है. अब देखिए कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटर से बना है. व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब कि एनी डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर चार्ज. तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कैपेसिटर में एक नेगेटिव प्लेट होती है और एक क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट. तो लेट अस सपोज नेगेटिव प्लेट को हमने चार्ज दिया है -2, कितना चार्ज दिया है, वी लेट अस सपोज दैट वी हैव गिवन अ नेगेटिव चार्ज टू दिस प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज टू दिस प्लेट एंड सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस. सो दिस इज कॉल्ड C इज इक्वल टू Q अपॉन V. दिस C इज कॉल्ड अ कैपेसिटेंस, दिस C इज कॉल्ड अ कैपेसिटेंस, दिस C इज कॉल्ड अ कैपेसिटेंस. This is called a capacitance and V is the potential difference. V is the potential drop across these two plates, across this capacitor, and Q is the charge. Q is the charge.
आप देखिए इस सर्किट को, इस कैपेसिटर के डायग्राम को, वी कैन कंपेयर विद दिस डिप्लीशन लेयर, वी कैन कंपेयर विद दिस दी डिप्लीशन लेयर। तो देखिए ये जो इस साइड है, ये जो पॉजिटिव देख रहा है, पॉजिटिव जो साइड दिख रही है, ये कैसे काम कर रही है, जैसे कि हमारी एक कैपेसिटर में एक पॉजिटिव चार्ज में ये कैसे काम कर रही है फ्रेंड्स, दिस विल एक्ट लाइक एज अ, दिस साइड ऑफ डिप्लीशन लेयर विल एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और दिस ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली साइड, दिस विल एक्ट एज अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये क्या बन गया हमारे पास बेटा, ये हमारे पास बन गया एक कैपेसिटर बन गया, क्या बन गया हमारे पास एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है, विच स्टोर सम चार्ज, स्टोर सम चार्ज, ठीक है, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर, इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। इसका मतलब ये जो हमारे पास कैपेसिटर बना है, तो इसकी कुछ कैपेसिटेंस भी होगी, इसकी कुछ ना कोई ना कोई कैपेसिटेंस भी होगी। तो सी देखिए, इसको हमने किया है रिवर्स बायस, क्या किया बेटा, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। अगर हम इस पी को चेंज करते हैं, व्हाट विल हैपन, सी अगर हम इस एक्सटर्नल बायसिंग और बायसिंग की वोल्टेज को चेंज करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए वी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर वी इफ वी चेंजेस तो क्या होगा, क्या होगा, बी चेंज करेगा तो सी बी चेंज करेगा, इट मीन दिस इंप्लाई सी बी चेंज करेगा। अगर सी चेंज करेगा इसका मतलब इसका इसके अंदर जो चार्ज क्यू है वो भी चेंज करेगा, आज घटेगा पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि बाय चेंजिंग वी दिस इंप्लाइज, यानी क्या बताता है कि सी विल ऑल्सो चेंज, सी विल ऑल्सो चेंज, also change, इसको लिख लीजिए, if we change V, this V, then capacitance of this capacitor will also get change by this relation, by relation number one. See, this will act like as a capacitor. This will act like as a capacitor. Why? Because this is a positive plate, this is a negative plate, and which is separated by a finite distance. इसका मतलब depletion layer क्या काम कर रही है? Capacitor का काम कर रही है, जिसकी कोई ना कोई capacitance भी होगी, C होगी. Getting my point? Charge भी store कर रही है, ठीक है? अगर V change करेंगे तो C भी change होगा, ठीक है? C change होगा तो V change होगा. तो इसका मतलब V change होने से हमारी C capacitor change हो रही है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? CV technique. क्या बोलते हैं? CV technique. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Which is called a capacitance voltage measurement. Means if we change C, if we change V, then we will get a, we will change the V, C. अगर V change कर रहे हैं तो C भी change हो रहा है. V change कर रहे हैं तो C भी change हो रहा है. इसको क्या बोलते हैं? CV technique. और इसके advantages लिख लेते हैं. Advantage क्या है? See, ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ठीक है, बहुत सिंपल टेक्निक है. नंबर दो, इसमें हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो कभी खराब नहीं होता. इट मीन इट इज कॉल्ड अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, इट इज कॉल्ड अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, ठीक है. और मेजरमेंट क्या हो रही है हमारी? डायरेक्टली हो रही है. मेजरमेंट क्या हो रही है? डायरेक्टली हो रही है, ठीक है. अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेज क्या होगा इसका? सी, इट वर्क्स ओनली अंडर द रिवर्स बायस, इट वर्क्स ओनली अंडर द रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में होता है. अगर इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो क्या होगा? उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. आपको पता ही है क्यों क्यों अगर इसको कर देंगे, ये तो ये इस तरफ जाएगा, पी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? काम हो जाएगी और चार्ज करेंगे, विल फ्लो ऑटोमेटिकली, तो उसकी वजह से हमारा कैपेसिटर फॉर्म नहीं हो पाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और वी, इसका मतलब देयर इज वेरी लिटिल चांस टू बाय चेंजिंग वी एंड सी. तो इसका मतलब इट वर्क्स ओनली अंडर द रिवर्स बायस, इट वर्क्स ओनली अंडर द रिवर्स बायस. So I think, और ये हमें क्या बताता है? ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है डोपिंग की. क्या बताता है हमें? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाता. ये हमें क्या बताता है ये मेथड? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डोपिंग बताता है. सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दी सीवी टेक्निक. तो आई थिंक 3 or 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें. तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल आर्टिकल विच इज सॉल्ड अ कैपेसिटेंस वोल्टेज मेजरमेंट. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. अगर आपका आज का सेशन आपको, इफ यू रियली like it, like or enjoy the session, then please subscribe our channel DJ and DJ Physics, Anugur Nani Dev Ji Physics. So please, हमारे channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए और share कीजिए. कल फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ. Thank you so much. Thank you.